हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास फर्स्ट में आज हिंदी का हम 20वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ 20, मेरे दादाजी। पाठ 20 का क्या नाम है? मेरे दादाजी। देखिए, ये जो पाठ 20 है इसमें क्या है, ये जो कहा ये समझिए कहानी है, तो वो कहानी किस पे है? दादाजी पे। कहानी मुख्य रूप से इसका केंद्र बिंदु कौन है? दादाजी। कहानी दादाजी से संबंधित है कि कुछ बच्चे हैं जिनके ये दादाजी हैं, आपको दिख रहे होंगे, यही दादाजी है, ये कुछ बच्चे आपको दिख रहे होंगे। तो ये इसमें ये है कि दादाजी जो हैं सबसे घर के बड़े हैं, और उनसे सभी लोग क्या, उनसे दादाजी से सभी लोग हम कह सकते हैं कि डरते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, उनसे डरते भी हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों के पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं, जब दादाजी डांटते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुप हो जाते हैं। बच्चे जब शैतानी करते हैं तो दादाजी को गुस्सा आता है, वे बच्चों को भी डांटते हैं, डंडा लेके उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। और इसके अलावा दादाजी बच्चों से बहुत प्यार भी करते हैं। तो ये सब यानी कि ये पूरा जो कहानी एक फैमिली की है और दादाजी से संबंधित ये कहानी है, इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कहानी में क्या क्या है आगे, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे दादाजी की उम्र 60 साल है। कितना साल? मेरे दादाजी की उम्र कितना है? 60 साल। यानी कि जो दादाजी हैं उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। कितनी साल, कितने साल? 60 साल। वे हमारे घर में सबसे बड़े हैं। दादाजी क्या हैं? घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। यानी कि घर में उम्र में जो सबसे बड़े हैं वो कौन है? दादाजी हैं। दादाजी की उम्र 60 साल है और घर में 60 साल से और कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़े कौन है? दादाजी हैं, जिनकी उम्र कितनी है? 60 साल है। सबके घर में अगर दादाजी हैं, और सिर्फ दादाजी हैं, और सबके घर में अगर दादाजी हैं, दादी हैं, पापा मम्मी हैं और भाई बहन हैं, तो सबसे बड़ी उम्र सबसे अधिक किसकी होगी? लगभग सब हमेशा सबकी उम्र में दादाजी की उम्र ही सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी दादाजी की उम्र सबसे बड़ी है। वे घर में सबको डांट देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी है, वह सबसे बड़े हैं, तो अगर कोई गलती करता है तो दादाजी क्या करते हैं? सबको डांट देते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना कि अगर आप गलती करते होंगे, आपके पापा भी गलती करते होंगे, आपकी दादी गलती करती होंगी, आपकी मम्मी गलती करती होंगी, तो दादाजी डांटते होंगे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी वही होता है, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं वही ना डांटेंगे, छोटे तो डांटेंगे नहीं। गलती करने पे कौन डांटता है? घर के जो बड़े होते हैं वही डांटते हैं। तो दादाजी घर के बड़े हैं, तो कोई भी गलती करता है तो दादाजी क्या करते हैं? सबको डांट देते हैं। उनके सामने पापा भी कुछ नहीं बोलते। यानी कि दादाजी जो हैं वो उनके सामने पापा भी, इन बच्चों के पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं। कि जब दादाजी डांटना शुरू करते हैं तो सभी लोग शांति से सिर्फ डांट सुनते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। मतलब ये कि दादाजी का सभी लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। वो क्या हुआ, डांटते हैं, सभी लोग सुन लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, यहाँ तक कि पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं। जब वे डांटते हैं तो पापा चुपचाप सुनते रहते हैं। ये देखिए, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम, आपको मैंने बताया था बहुत पहले ही, जो ये कामा होता है इसको अल्प विराम कहते हैं, ये लाइन जो खींचा गया इसको पूर्ण विराम कहते हैं। जब वे डांटते हैं तो पापा चुपचाप सुनते रहते हैं। यानी कि जब दादाजी क्या करते हैं, जब दादाजी डांटते हैं पापा को भी, जब दादाजी डांटते हैं, अब दादाजी क्यों डांटते होंगे? जब पापा कोई गलती करते होंगे तभी ना डांटते होंगे, वैसे तो डांटेंगे नहीं। तो जब वे डांटते हैं कौन? दादाजी। जब दादाजी डांटते हैं तो पापा चुपचाप सुनते रहते हैं, पापा भी सब क्या, शांत होकर सिर्फ सुनते हैं। जब दादाजी डांटते हैं तो पापा चुपचाप यानी कि शांत होकर सुनते हैं। तब हमें बड़ा मजा आता है। तब हमें यानी कि इन बच्चों को, ये बच्चे जो बता रहे हैं ना, कहानी कौन बता रहा है? बच्चे ही बता रहे हैं ना दादाजी के बारे में। तो बच्चे कह रहे हैं कि जब पापा को दादाजी डांटते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। क्या आता है? बहुत ही मजा यानी कि आनंद आता है। देखिए, यही दो बच्चे हैं जो दादाजी के बारे में बता रहे हैं। जब हम शैतानी करते हैं तो दादाजी को बड़ा गुस्सा आता है। देखिए, ये अल्प विराम का मतलब क्या होता है
कि सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ, आधा आधा ही समाप्त हुआ है, इसमें थोड़ा सा रुका जाता है। अल्प विराम का मतलब ऐसे हम पढ़ते नहीं जाएंगे, जब हम शैतानी करते हैं तो दादाजी को बड़ा गुस्सा आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रुकते हैं, जब हम शैतानी करते हैं तो दादाजी को बड़ा गुस्सा आता है, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कुछ सेकेंड हम रुकते हैं। तो जब हम शैतानी करते हैं, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब हम शैतानी करते हैं, शैतानी का मतलब क्या होता है कि बदमाशी या शरारत, जब हम शरारत करते हैं तो दादाजी को बड़ा गुस्सा आता है, यानी कि दादाजी को बहुत गुस्सा यानी कि क्रोध आता है, दादाजी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा उनको आ जाता है, तब वे डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं, छड़ी लेकर डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते हैं, किस लिए, हमें मारने के लिए दादाजी हमें दौड़ाते हैं, क्यों, जब हम शैतानी करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम शैतानी यानी कि बदमाशी या शरारत करते हैं तो दादाजी को बड़ा गुस्सा आता है और वे हमें डंडा लेकर मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ते हैं, उन्हें आता देखकर हम भाग जाते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि दादाजी डंडा लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं मारने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम वहां से भाग जाते हैं ताकि दादाजी हमें मारे ना। दादाजी फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठते हैं, और जब हम लोग भाग जाते हैं, दादाजी हमें पाते नहीं हैं, तो फिर दादाजी क्या करते हैं, दादाजी कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुर्सी दिख रहा है, बैठे हैं ना दादाजी, उसी तरह से वे कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर जा बैठते हैं यानी कि जाकर बैठ जाते हैं। जब दादी जी गुस्से में होते, सॉरी सॉरी, यहाँ से आपसे देखिए, उन्हें आता देखकर हम भाग जाते हैं, यानी कि जब दादाजी डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं ताकि दादाजी हमें मारे ना। दादाजी फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठते हैं, उसके बाद क्या होता है, दादाजी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। जब दादाजी गुस्से में होते हैं तो हम उनके पास नहीं जाते हैं, यानी कि जब दादाजी को गुस्सा आ जाता है, दादाजी को क्या आ जाता है, गुस्सा क्रोध आ जाता है, तो हम उनके पास नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब दादाजी गुस्से में होते हैं तो हम उनके पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हो सकता है कि दादाजी हमें मारना शुरू कर दें, डंडे से मारना शुरू कर दें। ऐसा आपके घर भी होता होगा, आपके पापा गुस्से में होते होंगे या आपके दादाजी गुस्से में होते होंगे, तो आप भी उनके पास जाने से हिचकिचाते होंगे, आप भी डरते होंगे कि कहीं जाएंगे पापा के पास या दादाजी के पास तो हमको मारेंगे। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कहानी में भी, कि बच्चे कह रहे हैं कि जब दादाजी गुस्से में होते हैं तो हम उनके पास नहीं जाते हैं, दादाजी हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर बच्चे क्या कह रहे हैं कि दादाजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, यानी कि वे हमें कैसी बातें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी बातें ये सभी होती हैं अच्छे आचरण वाली जो भी बातें होती हैं, वे दादाजी हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी से बहस नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं ना सिखाने वाली, तो दादाजी यही अच्छी अच्छी बातें बच्चों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। जब हम गलती करते हैं तो वे हमें समझाते हैं, कौन, दादाजी। बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब हम गलती करते हैं तो दादाजी क्या करते हैं, हमें समझाते हैं कि इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब हम गलती करते हैं तो दादाजी क्या करते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती करने से, गलती अगर करते रहेंगे तो सबकी नज़रों में क्या हो जाएंगे, आपको, आप अगर गलती हमेशा करेंगे तो कोई आपको प्रेम नहीं करेगा, कोई आपको, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, सभी आपसे क्या करेंगे, घृणा करेंगे, हेट करेंगे, इसलिए जब हम गलती करते हैं तो दादाजी क्या करते हैं, हमें समझाते हैं कि गलती नहीं करना चाहिए। रात को वे हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, और दादाजी क्या करते हैं,
रात में हमें मजेदार यानी कि आनंद देने वाली कहानियां सुनाते हैं। कैसी कहानियां? आनंद देने वाली कहानियां सुनाते हैं, जिनको सुनकर हमें बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। उनसे कहानी सुने बिना हमें नींद नहीं आती। फिर बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब तक वे हमें कहानी नहीं सुना देते हैं, तब तक हमें नींद भी नहीं आती। तो वे हमें जब कहानी सुनाते हैं, हम सुन लेते हैं, तभी हमें नींद आती है। दादाजी खूब काम करते हैं। दादाजी क्या करते हैं? बहुत अधिक काम करते हैं। 60 साल के हो गए हैं ना, फिर भी बहुत अधिक काम करते हैं। वे कभी खाली नहीं बैठते। कौन? दादाजी। दादाजी खूब काम करते हैं और कभी खाली नहीं बैठते हैं। जो भी छोटा मोटा काम रहता है, वो हमेशा लगातार करते हैं। वे हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। कौन? दादाजी। दादाजी हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। वे रोज अखबार भी पढ़ते हैं। कौन? दादाजी रोज क्या पढ़ते हैं? अखबार यानी कि समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। दादाजी रोज समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। उन्हें आसपास होने वाली सब सब बातों की खबर रहती है। अब देखिए, जो समाचार पत्र पढ़ेगा, उसको सभी बातों की जानकारी रहेगी ना, कि देश में क्या चल रहा है, क्षेत्र में क्या चल रहा है, राज्य में कौन सी घटना घटी, वो सभी बातें को उस उनको सभी बातों की जानकारी रहेगी ना। तो दादाजी जब रोज अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उन्हें हर बात की जानकारी रहती है। कोई भी घटना घटती है तो उन्हें उसकी जानकारी होती है, क्योंकि अखबार में समाचार पत्र में सब कुछ छपा होता है, सब कुछ लिखा होता है। दादाजी सुबह के समय टहलने जाते हैं। दादाजी उसके अलावा क्या करते हैं? रोज सुबह सुबह टहलने भी जाते हैं। दादाजी क्या करते हैं? सुबह के समय टहलने जाते हैं, रोज सुबह टहलने भी जाते हैं। अब टहलने से क्या होता है? टहलना जो होता है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हम सभी को टहलना चाहिए, सुबह शाम सभी को टहलना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी व्यक्ति को टहलना चाहिए, क्योंकि टहलना जो होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो दादाजी क्या करते हैं? सुबह के समय टहलने जाते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैंने बताया ना कि टहलने से क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो जब दादाजी सुबह के समय टहलने जाते हैं, तो इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। वे कभी बीमार नहीं होते। अब जब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो बीमार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से काम करते हैं, आप टहल रहे हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे, तो कभी बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। तो दादाजी स्वस्थ हैं, तो बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। तो वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। अब आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आप अच्छा भोजन ग्रहण करें, अच्छा से पौष्टिक भोजन खाएं, रोज काम करें, प्रतिदिन काम करें, टहलें, तो आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं अपने दादाजी को बहुत प्यार करता हूँ। फिर बच्चे क्या कह रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है इसमें से कि मैं अपने दादाजी को बहुत प्यार करता हूँ। जो एक बच्चा या लड़का दिख रहा है ना, वही लड़का क्या कह रहा है कि मैं अपने दादाजी को बहुत प्यार करता हूँ। दादाजी भी इन दोनों बच्चों से प्यार करते हैं और ये भी अपने दादाजी से प्यार करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या था? इस कहानी जो है, छोटी सी कहानी थी, इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों के मन में परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना। यानी कि बच्चों को हमेशा अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके घर के अगल बगल लोग जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको उनसे घृणा करते हैं, उनसे गलत गलत व्यवहार करते हैं, उनको कुछ भी गलत बुरा भला बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से, चाहे आपके घर का हो, आपका दादाजी हो, आपके दादाजी हो या दूसरे के, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो आई होप बच्चों,
आपको ये पाठ समझ में आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।